दोस्तों तो ऐसे बहुत कम बार होता है कि कोई हमारे शो पर पहली बार आते हैं क्योंकि उनकी बतौर राइटर पहली फिल्म रिलीज होने वाली है या जस्ट रिलीज हो चुकी है और ठीक एक साल बाद वो वापस आते हैं क्योंकि बतौर डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म रिलीज होने वाली है मैं बात कर रहा हूं हर्षवर्धन कुलकर्णी की जिन्हें आप लास्ट ईयर मिले थे बिकॉज इज डेब्यू फिल्म एज राइटर हसी तो फसी वॉज रिलीज यस दैट वेरी फाइन फिल्म हसी तो फसी और अब वो बन गए हैं डायरेक्टर उनकी फिल्म हंटर इस शुक्रवार को रिलीज हो रही सो लेट्स वेलकम राइटर डायरेक्टर हर्षवर्धन कुलकर्णी वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड थैंक यू थैंक यू थैंक यू जब आप <laughs> राइटिंग कर रहे थे हंसी तो वसी लिख रहे थे तो हमेशा ऐसे सोचा था कि डायरेक्टर ही बनना है अल्टीमेट गोल वही है मैं तो हूँ एफ टी आई से मतलब वहां से मैंने ये की एडिटिंग की कोर्स किया की okay. तो वैसे ट्रेनिंग वाइज तो एडिटर बनना चाहिए था कुछ तो ऐसा कोर्स था तभी कि डायरेक्शन कोर्स को स्क्रैप कर दिया था तो हुँ. एडिटिंग इज क्लोजर टू डायरेक्शन तो सोचा कि चलो एडिटिंग कर लेते हैं और उसके बाद मैंने कभी एडिटिंग की नहीं क्योंकि सीधा बाहर आते ही हम हमने एक प्रोडक्शन हाउस खोली मैं और मेरा पार्टनर कीर्ति टेलर मेड फिल्म करके तो मैंने एक्चुअली लिखा

फिर उसके बाद ऐसा एक दौर आया कि यार एक्सेप्टेंस था कि यार थोड़ा हल्का मतलब हटके कुछ कर सकते हो आप और थोड़ा एक स्पिरिट स्पिरिट के के साथ के साथ इंडिपेंडेंट बना सकते हो फिर उसके बाद वो रहा नहीं गया कि यार करना है फिल्म तो करना है इसीलिए आए थे मतलब डायरेक्ट करना है सही सही तो मेरे पार्टनर भी वही थे कि नहीं यार करते हैं फाइनली वी हैव हाँ टू तो फिनिश दिस फिल्म सो देन द आइडिया वाज यार इसको किस तरीके से हम लो बजट में बना सकते हैं सो दैट बिकम्स फीजिबल द मार्केट

रियली गुड एक्टर्स इतनी हंटिंग बट रेस्ट ऑफ इंडिया रेस्ट ऑफ इंडिया का वही था कि उन लोगों को लगेगा कि साउथ इंडियन पिक्चर है जैसे वो कमल हसन की या गैंगस्टर फिल्म है तो इसीलिए इंडिया एक टाइटल तो हंटर किसकी सोच थी टाइटल और टाइटल एक्चुअली सोचा कीर्ति ने कीर्ति ने बिकॉज पार्टनर है हम लोग बहुत ट्राई कर रहे थे क्योंकि विकास वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ थिंकिंग बहल सो देन वी जस्ट बाउंस दिस टाइटल टू विकास एंड विकास इंस्टेंटली टाइटल वॉज खान सो कॉल्ड ऑफ सोहेल खान एंड सोहेल खान से अरे टाइटल तेरा ही है एक्चुअली <laughs> so wow. so uh -huh. I mean, uh, विजुअली <laughs> <laughs> तो अच्छा दिखता है और अच्छा। विकास बहल की स्टाइल भी है कि यू you नो know, तीन आवर्स के साथ कुछ-कुछ तो करता है अच्छा। और उसने एक अच्छा रिप्लाई दिया था कि एक्चुअली मंदार पोंछे ट्राइज फॉर एटलीस्ट थ्री टाइम्स एंड फाइनली जाके कोई तो पटती है सो आई थिंक या नाइस आंसर इसीलिए दैट्स इंटरेस्टिंग बट ये फिल्म में शमारू जो प्रोडक्शन हाउस है वो प्रोडक्शन हाउस कैसे जुड़ा एक्चुअली सारे लोग बहुत लोग जुड़े हैं मतलब द क्रेडिट लिस्ट फॉर प्रोड्यूसर लाइक नेवर एंडिंग बिकॉज हम लोगों ने जिस तरह से शुरू की थी हा, हा, तो ये हंसी तो फसी के सिमिल, मतलब उसी टाइम पे बनना शुरू हो गई थी uh, तो तभी मैं बिकॉज आई न्यू फैंटम गाइज तो आई I मीन mean, uh, तो मैं विकास विक्रम और अनुराग तीनों ने पढ़ी थी स्क्रिप्ट पर जस्ट अबाउट देवर ऑल्सो स्टार्टिंग ऑफ सो दे जैसे दो तीन साल के बाद बनाते ना दो साल के बाद मैं, तो फिर कीर्ति भी उतावला हो गया था तो कीर्ति ने बोला नहीं अपने से बनाते हैं तो वी हैड एन इन्वेस्टर एंड वी स्टार्टेड द प्रेप एंड टेलर शुरू कर दिया था ओके। okay. वो इन्वेस्टर वन exactly जैसे स्टीरियोटाइप्स होता है क्लीशेस होता है वही हुआ <laughs> एक हफ्ते पहले वर गया। और हम लोग, we and and then, सारे डेट्स लिए हो चुके हैं शूटिंग इन पूना एंड इट हैज एक्सटेंसिव लोकेशंस एंड वी वर लाइक सिटिंग फाइनली की ऑफिस ऑफिस भी खोल के बैठे बट कुछ नहीं हो रहा है

You know, you'll be kind of over this. But the luck was so good that Kirti's friend, one more friend, some he met uh, Rohit Chugani, who's actually the uh, investor and one of the producers of the film. Mm -hmm. And he, I don't know why, he said, "Ki I want to invest in films."

Because my DOP, JJ, he wanted to see to it that it's his first film as a DOP. So he's my first film as, as a, a director. Film. And he said, Anyway, film is dying. Mm. So let's <laughs> just make our first film on film. He's such a, tra he's from London Film School, a traditional at heart, that way. Is, yeah. And he loves film. Mm -hmm.

प्रमोशन एंड मार्केटिंग फिल्मों की इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है तो जाहिर सी बात है कि शायद मार्केटिंग में भी उतना या उससे ज्यादा ही खर्चा हुआ होगा एकदम 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 है ना तो ये मार्केटिंग एंड प्रमोशन जो इंडस्ट्री में चल रहा है आप जिन्होंने एक साढ़े चार करोड़ की फिल्म बनाई है आपको लगता है कि मार्केटिंग एंड प्रमोशन सही हो रहा है या ये भेड़ चाल की वजह से इतना खर्चा होता है ये बहुत सारे डिस्कशन मैंने एक्चुअली फैंटम से भी की हुई है और फैंटम में जो रंजन करके है मार्केटिंग हेड है mm -hmm. ये सब मेरा एक uh, आग रह आग चुका आग है है आपकी क्या थिंकिंग uh, मेरी थे? तो ये थी कि यार मैंने तो भीख भीख मांग मांग के मैंने फिल्म बनाई है सब लोगों ने यारी दोस्ती में फिल्म बनाई है फिर मार्केटिंग में जब मैं देखता हूँ कि यार ऐसे थोड़ा इसमें पैसे जा रहे हैं मुझे बहुत uh, मतलब ऑब्वियसली दुख होता था बट आज आफ्टर दिस टू थ्री मंथ ऑफ जर्नी विद थिम एंड द काइंड ऑफ थिंग्स दैट ही

This is all advertising equally important, but hmm. we can probably make it a little more rational hmm. and a hmm. little more logical. Hmm. Release के दौरान कितनी मुसीबतें आई? As of now, तो जो सुन रहा हूँ मैं, तो demand बहुत है। लोग तो मांग रहे हैं कि यार हमको दिखाना है <laughs> एक बहुत एक्साइटिंग है तो मैं तो खुश हूँ सो इट्स दैट्स व्हाई वी प्रोबेबली वेटेड फॉर सो लॉन्ग टू गेट अ ग्रेट स्लॉट ऑल्सो सो ऑल दैट कॉमन सेंस एंड सो मच ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दीज नो आई मीन चेमारो

और एंड आई बिलीव इन दैट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ये बहुत स्ट्रांगली एम्बेडेड है मेरे मेरे पिताजी ने बहुत बचपन में ही मेरे अंदर डाल दिया था ये वॉट एवर बैड वॉज ऑल्सोपनिंग सच अ पॉजिटिव पर्सन सो इज ऑलवेज टोल्ड मी दैट एंड मे बी वही इंटिवली वो अंदर इतना चला गया कि आई ऑल्सो लुक एट समथिंग एड समबल एज स्टिल लुक एट

इंडस्ट्री ने आपको बहुत आराम से आसानी से और बहुत जल्द एक्सेप्ट कर लिया या अभी भी आप अपने आप को एक आउटसाइडर की तरह देखते हैं नहीं मैंने एफ से कोर्स की थी तो जैसे ही एंट्री मतलब जैसे ही बस से एंटर करके ऐसे पैर रखे तो तब से लगा कि आई बिलोंग या एक्सेप्टेंस तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है मतलब देर इज नो फीलिंग आउटसाइडर स्टिल

एलर्जी है लोगों से या लोगों से मतलब हाँ आई एम नॉट टू सोशल पर्सन ऑल्सो बट एट द सेम टाइम इंटेंशनली आई वुड वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद पीपल हु आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट डे इन डे आउट वरना वेर विल आई फीड ऑफ फ्रॉम आई मीन दे आर माई सोर्स ऑफ आप पीपल से uh, अलग लोगों से मिलते हैं तो यू कीप ऑब्जर्विंग दैम एंड पिक अप सब कॉन्शियसली I think so. I'm a starer. At times, people, my, my wife keeps saying, like, "You're staring at him." <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Uh, what has this industry given you in uh, this period of two or three years? What is it what is the best thing that you have got from the industry? Well, uh, I think, uh, a. I have met people who are uh, who appreciate uh, what I'm trying to see or what I'm trying to tell. Mm -hmm. And uh, they are so open about it and they uh, they're really encouraging about it also. So it's not like they're trying to force fit me, इन टू अलॉट और इन टू फॉर्मूला सो मुझे बहुत मजा आता है वो सब तो शायद मैं इंटरक्ट भी जिससे कर रहा हूँ cool mm -hmm. so, uh, so really so, कि यार तुम, तुम क्यों मार्केट के बारे में सोच रहे हो तुम क्यों इसके बारे में सोच रहे हो रहा है एक्चुअली ऑफलेट या जो भी चल भी जाता है mm -hmm. थोड़ा हटके भी है लेकिन फाइनली जो ऑनेस्टी है उसमें या स्पिरिट है स्टोरी तो होनी चाहिए विच आई बिलीव इन कंप्लीटली बट इट नीड नॉट बी सिमिलर और फील लाइक वॉट इज फॉर्म्यूला एसेंशियली आर वेन यू गिव मी अ स्क्रिप्ट आई रीड इट एंड आई से हा दिस इज लाइक अमर अकबर और लाइक कुछ तो मेरे को एक रेफरेंस, रेफरेंस मिल रहा है हाँ। जब रेफरेंस नहीं मिलता है तब तो सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं सबसे ज्यादा मुश्किलें फेस करते हैं हम लोग सो so, आज की डेट में मैं जिनसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ वो तो अगर मैं कुछ ऐसे सिमिलर टाइप का कर दूं तो वो बोले तू क्यों कर रहा है यार

राउंड दस एंड दैट इस ब्यूटी ऑफ द फिल्म ये जो है वो सबसे कॉमन कॉम्प्लीमेंट तो है और आपका जो फर्स्ट फाइनेंसियर था जो एक हफ्ते पहले भाग गया था उनको दिखाई आपने फिल्म फ्राइडे को ही मालूम चलेगा बट होता है ना जैसे दाने दाने पर लिखा है खाने वाले absolutely, का नाम absolutely, absolutely. फिल्म फिल्म पर लिखा है फाइनेंस करने वाले ऑलरेडी बिगन वर्क

एक रात में पड़ी थी थक के फोन किया था उसने <laughs> कि, कि, कि क्या, है, क्या so uh, so I, I i then i realized obviously that was the first draft tha, but uh, yeah i do a lot of this uh, character sketches of each and every one then and then i'm trying to make uh, and those character sketches also is a story in itself so so those take टू मच ऑफ टाइम बट वो जो किरदार है hmm. uh, जो एक्टर्स वो किरदार प्ले करने वाले हैं hmm. उन एक्टर्स को बताया जाता है वो पढ़ते हैं या वो खाली आपके माइंड में आपके रेफरेंस के मेरे लिए, है। मेरे लिए वो अच्छा, वो I've given them too Sorry. much of information also bilkul, bilkul. And I don't think everybody would be interested also in reading. <laughs> so much: <laughs> Yaar, <yeh pakata> hai. <laughs> So yeah, I mean, it's, it's, it's for myself, so that when I'm writing, it's for the screenplay. It's the study is just for that screenplay, so that everything seems believable, seems uh, logical, seems kind of uh, making sense. :ji.

फर्स्ट फिल्म एज डायरेक्टर सेकेंड फिल्म एज राइटर हंटर हंटर इस शुक्रवार को लग रही है एंड ट्रेलर को आपने बहुत एंजॉय किया बनाने में इन्हें बहुत मजा आया सो नो रीजन वाई दिस फिल्म शुड नॉट अपील टू ऑल ऑफ यू द यंग एंड द यंग एट हार्ट एंड देर यू नो व्हाट यू गोट टू डू दिस फ्राइडे ऑफकोर्स हेट टू अनेमा स्क्रीनिंग हंटर विद फ्रेंड्स शायद फैमिली को घर छोड़ सकते हैं लेट ईच वन गो विद हिज और फ्रेंड्स ज्यादा मजा आएगा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव कोई सजेशन हो तो प्लीज डू राइट इन टू अजर बॉलीवुड बिजनेस एट जी नेटवर्क डॉट कॉम एंड यू हैनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा तो उठाइए अपना मोबाइल फोन टाइप कीजिए बी बीबी स्पेस छोड़िए टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए फाइव सेवन फाइव सेवन फाइव पर यू कैन फॉलो ट्विटर एट ई टी सी बॉलीवुड दिस इज कोमल बिडिंग यू गुड बाई